ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। अद्य श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म क्या है, सो कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग एवं परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके महात्म स्वरूप मैं आपसे पुराण काल में कही हुई एक कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ में रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वो अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने इसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगा कि राजन, वह माली अभी अपनी स्त्री के साथ में रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया और उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनी ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे साप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी होगा। कुबेर के साप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई और मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे। परंतु शिव की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी, इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध एवं तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि को दया आ गई और पूछा कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोड़ी हुआ। तो उसने कहा कि हे मुनि, मैं कुबेर राजा का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो उन्होंने मुझे साप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी बन जाएगा। इससे मैं कोड़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से वो फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। एक भक्त ने पूछा
और क्या क्या करना चाहिए इस एकादशी के व्रत में, तो ऋषि ने कहा कि इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से हो जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का सतत स्मरण करते हुए संकल्प सहित पूजा पाठ मंत्र जाप करना चाहिए। योगिनी एकादशी की कथा सुनना और सुनाना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का भजन पूजन ध्यान करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की पारणा में सात्विक भोजन ब्राह्मणों को कराने के बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। अंत में क्षमा आराधना क्षमा साधना करना चाहिए। इस व्रत कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। प्रथम जो कर्म दिया गया है उसे पूरा करने के बाद ही अपना या दूसरा जो भी कार्य है वह करना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हर कर्म की सजा निर्धारित है। वो कब मिलेगी ये कर्म की आवृत्तियों पर निर्भर करता है और वो साप या वचन किसके द्वारा कहे जा रहे हैं इसके ऊपर भी निर्भर करता है। एक तपस्वी के साप युक्त वचन से हेमाली ने दुख भोगे और दूसरे तपस्वी के अमृत वचनों के प्रभाव से दुख से मुक्ति मिली। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि भक्ति की महिमा बहुत है, अतुलनीय है। शिव भक्ति के कृपा से श्रापित होने के बावजूद भी हेमाली की बुद्धि निर्मल थी, सिर्फ शुद्ध विसर गई थी, जिसके सहारे वह दुखों को भोगता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया, जहाँ उसकी दुख मुक्ति का साधन धाम मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। अर्थात उसकी निर्मल भक्ति की इस कृपा हेममाली के साथ होने से मुक्ति के साधन धाम ऋषि सुलभ हो गए, नहीं तो क्या पता वो कितने समय और भटकता रहता। ऐसे हैं भक्त वत्सल दीनानाथ। अतः प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इसके पहले निर्जला एकादशी थी। ये एक ऐसा समय होता है जो जब गर्मी समापन पर होती है और बरसात का आरंभ हो रहा होता है। ऐसी दशा में जब हम भीषण गर्मी को महसूस कर चुके होते हैं और बारिश को याद करते हैं कि अब तो बारिश हो जाना ही चाहिए, बस इसलिए हमारे पूर्वजों महान ऋषि मुनियों ने ये निर्जला एकादशी की महान परंपरा डाली है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना भोजन और बिना पानी के रखें और उसकी महिमा को समझें। वैसे तो हर एकादशी पर कुछ जल और अन्य पेय पदार्थ ले लेते हैं, इसलिए अन्न की महत्ता तो समझ चुके हैं। लेकिन जब अन्न जल का त्याग करते हैं और जब जल की महत्ता को व्रत रखकर करते हुए अंदर से समझते हैं, तो अंदर से एक आर्त प्रार्थना उठती है कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि जल नहीं बरसा तो हम कैसे जिएंगे, इसलिए अब तो बारिश कर दो प्रभु। बस यही प्रार्थना आपके आर्त हृदय से निकले, आपके रोम रोम से निकले, हर विचार से निकले, बस यही उद्देश्य है इस निर्जरा व्रत रखने का, जिसे रखकर आप बरसात को वरुण देवता का इंद्र देवता का आवाहन करते हैं कि पानी देवा पानी देवा पानी तो बरसाओ। और जब एक दिन बिना अन्न जल के व्रत रखकर धरती के सभी प्राणी या अधिकांश प्राणी प्रार्थना करते हैं, उनके प्यासे शरीर, उनके प्यासे कंठ, उनके प्यासे रोम रोम, उनके प्यासे विचार जब प्रार्थना बन जाते हैं, धरती पर पानी को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश कर देते हैं। इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा में जो भी व्रत उपवास हैं वे किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इसके बाद योगिनी एकादशी आती है, अर्थात आपने अन्न जल त्याग कर एक निर्जला एकादशी का व्रत रखा तो आपने तन मन पर विजय प्राप्त की और संयम योग हासिल किया, तो आप योग के काबिल हुए। तो योगिनी एकादशी आती है जो योग संयम और कर्म एवं विचारों की शुद्धि को सिखाकर योग निद्रा में जाने के योग्य बनाती है।
तो फिर देवसेनी एकादशी आती। जब आप निर्जला व्रत रखकर योग संयम हासिल कर लेते हैं तो सावन की बारिश की झड़ी लग जाती है। विश्व में चारों तरफ हरियाली, पूर्णता, आप्लावित जल पूर्णता का संकेत हो जाते हैं। तो आप चातुर्मास में योग निद्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और आंतरिक यात्रा करते हुए आप विश्व का पालन पोषण संरक्षण करते हैं। ये मेरे विचार हैं। यदि आप भी सहमत हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। इस साल होने वाली योगिनी एकादशी का विवरण, आरंभ दिनांक, समय वार और समाप्ति दिनांक, समय वार और योगिनी एकादशी पारणा दिनांक, समय और वार नीचे दिया गया है, कृपया अवश्य देखें। अगले पक्ष में होने वाली एकादशी को देवसेनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहते हैं। ये देवसेनी पद्मा एकादशी जीव के उद्धार का व्रत है और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का विशेष महत्व है और इसके बाद चातुर्मास आरंभ होता है। इसमें की गई पूजा पाठ, भजन, मंत्र जाप का विशेष महत्व है। इसे जानने के लिए अगले देवसेनी एकादशी या पद्मा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनने आइए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेसर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।